नए साल में मुख्तार का पुराना हिसाब होगा। बही खाता तैयार, अदालत तैयार और योगी तैयार। साल की शुरुआत में ही योगी ने कर रखा है मुख्तार को झटका देने की तैयारी। दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है। मुख्तार जेल की काल कोठरी में करवटे बदल रहा है। साल 2023 की 2 जनवरी को माफिया मुख्तार की जिंदगी के एक और काले चिट्ठे का अंत होने वाला है। लोग नए साल की खुशियां मनाने में व्यस्त हैं, वहीं मुख्तार जेल की काल कोठरी में 2 जनवरी का इंतजार कर रहा है। डर है कि कहीं 2 जनवरी के बाद उसकी मुश्किलें और न बढ़ जाएं। ऐसा क्या हुआ कि मुख्तार 2 जनवरी को लेकर इतना डरा हुआ है, ये बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि साल 2022 जाते जाते मुख्तार के लिए काफी पीड़ादायक रहा। ऐसा क्या हुआ कि मुख्तार 2 जनवरी को लेकर इतना डरा हुआ है, ये बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि साल 2022 जाते जाते मुख्तार के लिए काफी पीड़ादायक रहा है। एक ओर जहां बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई, तो दूसरी ओर पत्नी अफशा अंसारी को ईडी तलाश कर रही है। वहीं मुख्तार पर पंजाब की रोपड़ जेल में रहते हुए वसूली करने के मामले में भी ईडी ने छानबीन शुरू कर दी। अब योगी सरकार ने नए साल में मुख्तार को झटके देने की तैयारी कर रखी है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी से होने वाली है। अब जरा जान लेते हैं कि 2 जनवरी को ऐसा क्या होने जा रहा है कि मुख्तार अभी से ही टेंशन में आ गया, जिस पर दर्जनों मुकदमे पहले से ही लदे हैं। वो आखिर किस बात से इतना डरा हुआ है? बात है साल 2003 की। मुख्तार लखनऊ जेल में बंद था। एसके अवस्थी उस समय जिला जेल लखनऊ के जेलर थे। एक दिन जेल में कुछ लोग मुख्तार अंसारी से मिलने गए। अवस्थ ने तय नियमों के अनुसार उन लोगों की तलाशी लेने के आदेश दिए, जिस पर मुख्तार अंसारी भड़क गया। आरोप है कि उसने जेलर के साथ गाली गलौज भी की और देख लेने की धमकी भी दी। अवस्थी ने तो यहाँ तक कहा कि अंसारी ने उस पर पिस्तौल तान दी और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। इसकी शिकायत उन्होंने आलमबाग पुलिस थाने में की और मुख्तार अंसारी के खिलाफ FIR करवा दिया। मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए उसे धारा 353, 504 और IPG की धारा 506 के तहत दोषी पाया और मुख्तार अंसारी को धारा 353 के तहत अपराध के लिए 2 साल की कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना, धारा 504 के तहत अपराध के लिए 2 साल की जेल और ₹2,000 जुर्माने की सजा, धारा 506 के तहत अपराध के लिए अंसारी को 7 साल की सजा सुनाते हुए ₹25,000 का जुर्माना ही लगाया गया था। मुख्तार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। संभव है कि 2 जनवरी को मुख्तार के इसी केस की सुनवाई होगी, जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो फिर साल की शुरुआत ही मुख्तार के लिए बेहद खराब होगी। आगे तो पूरा साल बाकी रहेगा। बस इसी चिंता के मारे मुख्तार टेंशन में है कि किसी तरह 2 जनवरी का मामला सलट जाए, फिर आगे का देखा जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, ओनली भारत।